आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर कानपुर उत्तर प्रदेश की, जहां प्रधान और कोटेदार सहित संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रामीणों के हक पर खुलेआम डाला जा रहा है डाका। पतासा ग्राम पंचायत प्रधान समेत कोटेदार व DSO सप्लाई इंस्पेक्टर, सदर SDM, सहायक मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, सभी इस प्रकरण में जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ जनता ने खुद मीडिया के सामने आकर सब कुछ बयान दिए हैं और अपना दर्द बयां किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान जी कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं, तथा कोटेदार की दुकान पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा और न ही वह लॉकडाउन की स्थिति में दुकान खोलता है। ग्राम पंचायत पतासा के अंतर्गत 4 गाँव आते हैं, दमगड़ा, सेरसई, सिंहपुर और कटारा। इस ग्राम पंचायत प्रधान शारदा देवी पत्नी श्री महावीर है। यहाँ की आबादी 4000 के ऊपर है, जिसके वोटर 3000 के करीब हैं, परंतु मनरेगा मजदूरों के सिर्फ 60 कार्ड ही हैं। प्रधान कानपुर दबौली क्षेत्र में रहते हैं। ग्राम पंचायत में उनका बेटा सतीश कुमार एडवोकेट ही प्रधानी चलाता है। ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रधान के खिलाफ काफी बयान दिया है। महिलाओं ने भी अपनी दास्तान बताया। प्रधान ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया है, ना ही गांव को सैनिटाइज कराया है और मजदूर वर्ग को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, जैसे राशन, दवाइयां आदि की कोई व्यवस्था भी नहीं की है। वहीं पर कोटेदार उषा देवी पत्नी बंसलाल ने सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को फ्री में मिलने वाले राशन का प्रावधान भी नहीं रखा है। कोटेदार राशन मानक के अनुसार नहीं दे रहा है और 20% लोगों को ही राशन मिलता है, उसकी दुकान अक्सर बंद ही रहती है, जबकि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा कोटेदारों को दुकान खोलने के आदेश भी हैं। इसके बावजूद कोटेदार राशन कम दे रहा है और खुलेआम धांधली भी कर रहा है। आखिर जिम्मेदार कौन है, कानपुर DSO, सप्लाई इंस्पेक्टर या सदर SDM? आखिर ग्राम पंचायत की जनता को 12 किलोमीटर दूर सचेंदी राशन लेने जाना पड़ रहा है? कोटेदार 15 रुपए का पैकेट नमक अधिक दामों में जबरन दे रहा है। जनता द्वारा विरोध करने पर जवाब देता है, किससे शिकायत करोगे, DM से, मुख्यमंत्री से कर लो शिकायत, राशन लेना हो तो सचेंदी जाइए और नेता मत बनिए। ग्राम प्रधान द्वारा दलितों को कोई आवाज भी नहीं दिया गया, जब इसकी शिकायत ग्राम सचिव व सहायक विकास खंड अधिकारी से की गई, तो इन लोगों ने भी जनता की आवाज नहीं सुनी। गांव के हीरालाल कुरील ग्राम पंचायत सदस्य ने काफी कानूनी कार्रवाई कर अधिकारियों से व पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोटेदार व प्रधान की लापरवाही है, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने समस्त कार्यवाही के प्रार्थना पत्र भी दिए, जबकि BPL कार्ड धारक 125 लोग हैं, इनके पास आवास भी नहीं है, कच्चे मकानों में लोग रहने को मजबूर हैं। मंडल ब्यूरो ने प्रधान से संपर्क करना चाहा, तो वह मौके पर नहीं मिले। उनके बेटे सतीश कुमार एडवोकेट से वार्ता करने पर उन्होंने आरोप बेबुनियाद बताए, जबकि जनता कैमरे के सामने बयान भी दे रही है। वहीं पर वकील साहब मंडल ब्यूरो व उनकी टीम का ही वीडियो बनवाने लगे। आखिर पत्रकारों के ऊपर कौन सा दबाव बनाना चाहते हैं, या पत्रकारों के ऊपर हमला कराना चाहते हैं? आखिर उन्होंने वीडियो क्यों बनवाया? इसकी जांच कराने के लिए चैनल प्रधान संपादक द्वारा संबंधित नगर आयुक्त, जिलाधिकारी को जांच के लिए प्रार्थना पत्र सौंपी गई है। कानपुर से अरविंद यादव, मंडल ब्यूरो के साथ अंकित गौर संवाददाता व शिवा गौर कैमरामैन की रिपोर्ट। और सबको जाने तो पूछ ले जाए थे कि हम अस्पताल में, तो हमका भैया हम अस्पताल में आए, हमका दे दे राशन, बउरिया का भी दे दे, लेबर कार्ड भी बना है। तो कह लेबर कार्ड दिखाओ, हम दिखाओ, तो कह अब सचेंदी जाओ फ्री मिली। तो हम सचेंदी की दूरी कितनी है यहाँ से? बहुत दूर है, हम बताओ बीमारिया मानी, हम भी देखो ऑपरेशन वाले। आप माता जी, हमने जो क्वेश्चन आपसे किया, सचेंदी की दूरी कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर से कुछ कम नहीं आई, और सवारी का साधन भी नहीं आए। हम लोग 10 किलोमीटर है, मतलब जैसे बउरिया हमारा ऑपरेशन से अभी अस्पताल से ले गए, सब लोग जाना थे, नाती भी हमारा नहीं रहा, हम बहू को लेके हम कहा भैया कहाँ जाए, हमको राशन दे दो। तो कह नहीं है राशन, आप जाओ तो अब हमसे जो पीछे आ रहे हैं उनको राशन मिलता। तो हमका ई महीना में नहीं है, तो पैसा जमा करा लो, पर्ची ले बना दे, हमका अगले महीना में दे दे। खाली 15 तारीख को चावल अकेले मिलेगा और तुमको राशन नहीं मिलेगा, इस महीने का राशन नहीं मिलेगा। कहा तुम चाह चली जाओ, तुमको राशन नहीं मिलेगा। हाँ।